Hello guys, hi, welcome to Roy Digital and this is Rishikesh Roy, your digital marketing trainer and friend. So guys, आज का जो session है वो है social media optimization और social media optimization बहुत interesting होता है क्योंकि हम सब social media से connected हैं, जैसे कि आप Facebook, Instagram, LinkedIn ये सब use करते हो, तो उसी को आप use करना है marketing purpose में. कैसे? Guys, interesting होने वाला है, believe me. चलिए शुरू करते हैं अपने आज के session की तरफ. Social media में आपको majorly आज जो सिखाने वाला हूँ वो ये है guys कि एक Facebook page को कैसे बनाते हैं. और अगर आपको आता है, definitely अगर आपको आता होगा तो it's not a big deal for you, but उन Facebook page को बनाने के बाद उसमें जो major और basic setting करनी होती है जिससे हमारा जो Facebook page है उसमें audience आना शुरू होते हैं, followers बनना शुरू होते हैं और अपने customers को मैं Facebook के through कैसे auto respond करके अच्छा खासा बिजनेस जनरेट कर सकता हूँ, आज पर्टिकुलर हम इस सेशन में ये सीखने वाले हैं. तो गाइज आइए चलिए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और इस चीज को प्रैक्टिकली करके देखते हैं. सोशल मीडिया को यूज करके मार्केटिंग करना एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है. अगर मैं बात करूं कि आज की डेट में आप लोगों में से बहुत लोग हैं जो फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर यू कैन से लिंक्डइन वगैरह वगैरह आप चीजें जरूर यूज करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा एक इन्फ्लुएंस करता है हमें अपने कनेक्शन बढ़ाने में, हमारे लोगों से कनेक्ट रहने में. That is the reason सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा जो जाल है हमारे आसपास फैला हुआ है और इसी का हमें फायदा उठाना है एज अ मार्केटर. फॉर एग्जाम्पल, मार्केटिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक अच्छा खासा मार्केट जहां पर ऑडियंस अवेलेबल हो, और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर ऑडियंस सच में अवेलेबल है, वो भी मास नंबर में. चलो एक डेटा से स्टार्ट करते हैं. गाइस डेटा ये है कि हाउ मेनी सोशल मीडिया यूजर्स इन इंडिया. सिर्फ मैं इंडिया की बात करता हूँ, तो इंडिया के स्टैट्स के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पर ओपन करूँ, हाउ मेनी सोशल मीडिया यूजर्स इन 2018, अगर मैं 2018 की बात करूं तो इट्स 2.77 बिलियन यूजर्स हैं गाइस. ये लेकिन ये वर्ल्ड वाइड का डेटा है, ध्यान रखना. मैंने ऊपर इंडिया भले लिखा है लेकिन ये वर्ल्ड वाइड का डेटा है कि पूरे दुनिया में ऑलमोस्ट 277 करोड़, 2.77 बिलियन इतने लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं. तो आप खुद सोचो कि कितना बड़ा प्लेटफॉर्म ये है, और अगर यहां पर इतना ऑडियंस अवेलेबल है, क्या मैं उनको टारगेट कर सकता हूं? तो आंसर है एब्सोल्युटली यस, यू कैन टारगेट ऑडियंस हु आर अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया. कैसे कैसे टारगेट करना है उसके बारे में हम जरूर पढ़ेंगे. अब सोशल मीडिया पे आप भी हो, मैं भी हूं, हर तरह के लोग हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके बिजनेस के लिए या फिर आप जिस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया यूज कर रहे हो वो हर किसी को लाइक फैसिनेट करेगा. मतलब कि ऐसा नहीं है कि 2.77 बिलियन ऑडियंस ही आपका ऑडियंस है जिसको आप अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इसका मतलब आपको सोशल मीडिया में से फिल्टर करना पड़ेगा कि कौन सा ऑडियंस आपको एक अच्छा रिटर्न देगा या फिर आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है. नाउ इफ आई वुड से if you can judge or if you can filter that audience which can matter to you and which can help you to get a good conversion, that is what today we have to learn in social media optimization. So social media ko mein audience ko target karne ke do major tarike hote hain. Let me help you with that. If I'll write here social media. So guys, social media mein there are two ways. The one is optimization, jise hum kehte hain social media optimization, SMO, and the another way is known as marketing and which is known as social SMM, social media marketing. तो ये दोनों तरीके अवेलेबल हैं, जिसमें आज जो हम कवर करेंगे वो है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन. अब सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन जो है ये एक्चुअली में है क्या? गाइस हमने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जैसे पढ़ा है. सर्च इंजन में क्या करते थे हम? गूगल पे अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए हर वो फैक्टर या हर वो पैरामीटर यूज करते थे जिससे मेरी साइट जो है गूगल पे रैंक हो जाए एज पर द एल्गोरिथम जो गूगल यूज करता है. सेम वही चीज अब हमें सोशल मीडिया के लिए करना है. सोशल मीडिया में जो सबसे नंबर वन पे प्लेटफॉर्म है आज की डेट में वो है फेसबुक. फेसबुक इज द बिगेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एज ऑफ नाउ इन दिस वर्ल्ड. एंड सोशल मीडिया में जो फेसबुक है उसका भी अपना एल्गोरिथम है जिस बेसिस पे आपके जो ये टाइमलाइन में जो न्यूज फीड्स आती हैं या फिर आप जो लाइक करते हो, जिनको फॉलो करते हो, उनकी जो फ्रीक्वेंसी आती है, आपके अपडेट्स आते हैं, आप अपने टाइमलाइन में क्या क्या देखोगे, वो कैसे डिसाइड होता है? वो प्योरली डिसाइड होता है सोशल मीडिया. इनफैक्ट अगर मैं प्रिसाइसली बात करूं फेसबुक के एल्गोरिथम से, तो उसी एल्गोरिथम को आज हम देखते हैं, समझेंगे
जस्ट अ मोमेंट, एल्गोरिथम को हम पढ़ेंगे समझेंगे और अकॉर्डिंग हम फिर अपने सोशल मीडिया, अगर मैं बात करूं फेसबुक प्रिसाइसली, उसे ऑप्टिमाइज करेंगे। फेसबुक को ऑप्टिमाइज करके मैं ऑडियंस टारगेट कैसे कर सकता हूं? अब फेसबुक ऑप्टिमाइजेशन का मेरा फायदा क्या है, सबसे पहले मैं आप उसका बेनिफिट बता दूं। बेनिफिट यह है गाइस, सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूं कि SMO की सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, तो ये बिल्कुल फ्री है एंड देयर इज नो पेनी यू हैव टू पे, आपको इसमें कोई भी चार्जेस पे नहीं करना है, ये बिल्कुल फ्री है। बट जहां की ये फ्री है तो गाइस आपको थोड़ा सा टाइम और अपना एफर्ट डिवोट करना पड़ेगा इसमें, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू दैट। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि टाइम और एफर्ट देना पड़ेगा। अगर कोई चीज फ्री में मिल रही है तो ऑफकोर्स ये चीज हमें देनी पड़ती है, जो कि हमने खुद सर्च इंजन पे भी देखा है कि हम जब सर्च इंजन ऑप्टिमाइज करते हैं, SEO करते हैं, उस SEO में भी हमें बहुत ज्यादा अपना टाइम और एफर्ट लगाना पड़ता है, तभी हम जाकर रैंक करते हैं। एंड सेम हैपेंस विद सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। अब मैं बात करता हूं, ये रहा बेनिफिट। अगर आपको SMO आता है तो ये ध्यान रखना कि आपके जो फॉलोअर्स हैं आप बहुत इंक्रीज कर सकते हो। अनफॉलोअर्स इक्वल्स टू ट्रैफिक। अगर आपके पास फॉलोअर्स अच्छा खासा है तो आप अच्छा खासा ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो अपनी वेबसाइट के लिए। तो इस फॉलोअर्स और इन ट्रैफिक को जनरेट करने के लिए हमें सोशल मीडिया में क्या क्या चीजें यूज करना है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। लेट्स गो विद एन एग्जाम्पल। गाइस अगर मैं एग्जाम्पल के साथ चलूं तो यहां पर मैं एक पेज ओपन कर लेता हूं विच इज नोन एज हिंदुस्तान टाइम्स। अगर हिंदुस्तान टाइम्स का मैं एक पेज ओपन कर देता हूं लाइक ये रहा हिंदुस्तान टाइम्स, तो यू कैन सी दैट गाइस हिंदुस्तान टाइम्स के पास कितने फॉलोअर्स हैं, 5.9 मिलियन फॉलोअर्स। एज यू कैन सी दैट 5.9 मिलियन फॉलोअर्स बनाने के लिए हिंदुस्तान टाइम्स को अच्छा खासा टाइम जरूर लगा होगा, क्योंकि 5.9 मिलियन से एक छोटा मोटा कोई फिगर नहीं है। इस फिगर तक पहुंचने में इनको बहुत टाइम लगा है और इन फिगर पे लाइक ये द पर्टिकुलर 5.9 मिलियन का फिगर है, इसमें पहुंचने के बाद इनको बेनिफिट भी बहुत हो रहा है एंड दे कीप ऑन ग्रोइंग। वो बढ़ रहे हैं लगातार, ऐसा नहीं कि वो यहीं जाके स्टॉप हो गए, बट बढ़ रहे हैं। आज की डेट में थोड़ा सा मुश्किल है गाइस सोशल मीडिया ऑप्टिमाइज वे में अपने आप को सर्वाइव रखना। जरूर ये अपना एक अलग ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग भी करते हैं, दैट इज फॉर श्योर, क्योंकि सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन से कोई भी बिजनेस नहीं चलता, चाहे वो ऑप्टिमाइजेशन आपका SEO हो या फिर SMO हो। पैरेलली आपको मार्केटिंग करनी होती है जो कि पेड मार्केटिंग होती है, उसके बाद ही बिजनेस रन होता है। बट जहां कि हमारा आज का टॉपिक सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन है प्योरली, तो मैं सिर्फ उस पर बात करता हूं। अब इसमें से बहुत सारे लाइक्स ऐसे भी होंगे जो कि पेड मार्केटिंग से आए हैं, मतलब फॉलोअर्स पेड मार्केटिंग से आए हैं, बट मैं अगर मान के चलूं 5.9 मिलियन ऑडियंस होने का या 5.9 मिलियन फॉलोअर्स होने का इसका डायरेक्ट फायदा क्या होता है, आइए चलिए मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। अब इस पेज में होने वाले हर अपडेट्स आपको यहां पर देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक नया यहां पर इन्होंने पोस्ट डाला है, दैट यू कैन सी दैट हियर। सो दिस इज 15 मिनट्स पहले ये एक पोस्ट है एंड देयर आर 25 मिनट्स पहले एक पोस्ट है। So, ये क्या करते हैं गाइस, हिंदुस्तान टाइम्स एक ऑब्वियस न्यूज साइट है और न्यूज साइट में जो है डेफिनेटली हर मिनट में बहुत सारे अपडेट्स आते हैं, न्यूज आते हैं, तो उन न्यूज को ये अपने पेज में भी पब्लिश करते हैं। मेजरली वो क्या करते हैं, वो पूरा का पूरा न्यूज जो है वो जाता तो उनकी वेबसाइट पे है hindustantimes.com, एज यू कैन सी दैट, बट उसका सीधा लिंक वो यहां पर भी पेस्ट करते हैं एज यू कैन सी लाइक दिस। जैसे कि 1 आवर पहले इन्होंने क्रिकेट की कोई न्यूज दी है और फिर 1 आवर पहले इन्होंने कोई बॉलीवुड का न्यूज दिया है, एंड यू कैन सी लाइक दिस। अब आप देख रहे हो कि ये सारे न्यूज ऐसे चल रहे हैं। अब इसका बेनिफिट कैसे उठा रहे हैं ये, गाइस बेनिफिट ये ऐसे उठा रहे हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई गो अबव, एंड यहाँ पर मैंने देखा था कि एक पोस्ट था जिसमें 584 लाइक्स हैं, ये 15 मिनट पहले इस पोस्ट को डाला गया है। अब 5.9 मिलियन जहां के इसके यूजर हैं, तो इसका जो एक पोस्ट है कोई भी पोस्ट करता है वो मिनिमम 2% लोगों तक तो इजीली पहुंच जाता है। मतलब 5.9 मिलियन अगर मैं बात करूं तो उसका 2% इज इक्वल्स टू बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है, आई थिंक सो 60,000 तक होता है, 2% है 60,000, तो 60,000 लोगों तक ये पोस्ट पहुंची है और उसमें से 584 लोगों ने लाइक किया है, 106 ने कमेंट किया और 77 ने शेयर किया है। यही फायदा होता है फॉलोअर बनाने का। ये तो एक टाइम, चलो एक काइंड ऑफ न्यूज साइट है, तो न्यूज साइट पे बहुत ज्यादा ऑडियंस जो है कभी कभार रिस्पॉन्स नहीं करती। अब मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, एक एग्जांपल मैं यहाँ पर लेता हूँ गाइज, लाफिंग कलर्स। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू पीपल हैज एक्चुअली हैव एन आइडिया ऑफ दिस पर्टिकुलर पेज, बट लाफिंग कलर्स एक काइंड ऑफ पेज है जिसमें एंटरटेनमेंट के से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस सॉरी अपडेट्स आते हैं। अब वही अपडेट्स के अकॉर्डिंग आप देख रहे हो कि इस साइट का
कितना, इट्स ऑलमोस्ट 29 मिलियन, 29 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। इट मींस कि इतने इसके फॉलोअर्स हैं। अब इसके फॉलोअर्स होने का सीधा बेनिफिट क्या है कि एक पोस्ट जो कि 3 घंटे पहले होती है उस पे लोग इतना ज्यादा एंगेजमेंट, 581 लाइक्स, 123 कमेंट्स, 10 शेयर्स। अब कोई एक ऐसा पोस्ट लेते हैं जो कि बहुत पुराना है इनका, लेट्स गो बियॉन्ड 2-3 डेज, कुछ दिनों पहले का हम पोस्ट उठाते हैं इसका, एंड यू विल गेट टू नो द रियल पोटेंशियल ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। एग्जाम्पल ये सारे कुछ 8 आवर्स पहले के हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में स्पेशली फेसबुक की बात करूं, यहां पर चीजें वायरल होने में थोड़ा सा टाइम लेता है गाइस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 16 आवर्स पहले एक पोस्ट हुआ था, उसको 15,000 लाइक्स मिले हैं, 93 कमेंट्स मिले हैं और 269 शेयर्स मिले हैं। इसका फायदा पता क्या है? फायदा यह है कि जब भी कोई मैं पोस्ट करता हूँ वो डेफिनेटली 2% ऑफ माई टोटल जो भी फॉलोअर्स हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि मेरे पास 29 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, 29 मिलियन मेरे पास फॉलोअर्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 100, तो 58 लाख लोगों तक तो मेरा जो पेज है वो डेफिनेटली, मेरा पोस्ट जो है वो जाता है। बट एस कब जाता है वो डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वो एल्गोरिदम बहुत सीक्रेटिव एल्गोरिदम है जिसको हम नहीं जानते हैं। इस वजह से आई कैन टेल यू कि 2% लोगों तक मेरी जो पोस्ट है वो ऑर्गेनिकली जाती है, और उसमें से कितने लोग उसे लाइक करते हैं, एंगेज करते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका अपडेट पोस्ट क्या है। अगर वो इंटरेस्टिंग नहीं है तो लोग बिल्कुल भी उसे एंगेज नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो इंटरेस्टिंग है तो लोग उसे एंगेज जरूर करेंगे। और एंगेजमेंट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, अगर कोई वीडियो है तो उसको क्लिक करना। नाउ यू कैन सी दैट कि यहाँ पर 18 आवर्स पहले एक ऐसा पोस्ट किया गया है जिसमें इन्होंने इंस्पायरिंग यंग हर्ट्स, मतलब बिलियनियर्स के बारे में यहां पर लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल इफ आई क्लिक हियर तो लाफिंग कलर्स की वेबसाइट खुल गई। अब अगर ये पोस्ट 58 लाख लोगों तक पहुंचा है, उसमें से आई वुड से 353 ने लाइक किया है, तो कितने लोगों ने इस पोस्ट को क्लिक किया होगा? क्लिक करने का सीधा ट्रैफिक इस कंपनी के वेबसाइट को मिला, एज इक्वल्स टू ट्रैफिक के फॉर्म में। तो गाइस दिस पर्टिकुलर प्रोसेस नॉन एज सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, कि आपको आपके फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल, लिंक्डइन कंपनी पेज या फिर पिंट्रेस्ट, इनसे कितना ट्रैफिक मिलता है, दैट इज नॉन एज सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। अब देखो ये जितने भी पोस्ट हैं, इन पोस्ट को क्लिक करोगे तो आप लाफिंग कलर्स के पेज में पहुंच जाओगे। एज आई कैन शो यू गाइज, अभी तो मुझे नहीं दिख रहा है क्योंकि इनके बहुत अपडेट्स हैं, बहुत नीचे जाने पड़ेंगे मुझे, बट इनके कुछ पोस्ट, इनके कुछ नहीं, मैक्सिमम पोस्ट जो होते हैं उसमें तो कई हजारों में लाइक जाते हैं। ये बहुत पुराने पोस्ट नहीं है, एक एक दिन पुराने पोस्ट हैं, इनको अभी तक ये मैच्योर नहीं हुए ये पोस्ट। दैट इज द रीजन यू कैन सी दैट ओनली फ्यू लाइक्स एंड फ्यू एंगेजमेंट्स हियर, बट देयर मैच्योर्ड पोस्ट जो मैच्योर हो चुके होते हैं, ऐसे कोई पोस्ट उसमें हजारों की तादाद में एंगेजमेंट होता है। आई कैन शो यू, अगर मैं उसके लिए मुझे बहुत नीचे जाना पड़ेगा, एंड आई कैन शो यू, अभी तक तो नहीं दिखा गाइज, आप लोग खुद एक बार ट्राई करना एंड यू विल फाइंड इट। अभी इसमें मुझे दिखाने लायक मुझे कुछ दिख नहीं रहा, बट यही तरीका होता है। द रियल प्रोसेस इज कि यू नीड टू जस्ट डू एन सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन फॉर फॉलोअर्स, एंड फॉलोअर्स इक्वल्स टू ट्रैफिक, राइट। अब फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए द नंबर वन थिंग विच आई वॉन्ट इज, लेट्स टॉक अबाउट गाइज फेसबुक ऑप्टिमाइजेशन। फेसबुक को ऑप्टिमाइजेशन फॉर बिजनेस, अगर मैं अपने बिजनेस के लिए ऑप्टिमाइज करना चाहूंगा तो व्हाट द फर्स्ट थिंग आई नीड द फर्स्ट थिंग इज अ फेसबुक बिजनेस पेज। मुझे एक फेसबुक बिजनेस पेज की जरूरत पड़ेगी। अब बिजनेस पेज का मतलब ये नहीं है कि आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई पेज, बिजनेस पेज मतलब कोई भी एक पेज जो फेसबुक में बनाते हैं उसे बिजनेस पेज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाफिंग कलर का ये पेज है एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया, बट ये एक बिजनेस पेज ही माना जाता है क्योंकि इससे लाफिंग कलर्स को बिजनेस मिल रहा है। तो गाइस सबसे पहले बिजनेस पेज बनाना इट्स नॉट अ बिग डील, हम कोई भी आराम से फ्री में फेसबुक में जाके पेज बना सकते हैं, देयर इज नो इशू ऑन दैट। सो दैट इज द रीजन आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इफ यू वांट टू क्रिएट अ पेज, आपको सिर्फ अपने फेसबुक प्रोफाइल में जाना है, और फेसबुक प्रोफाइल में जाने के बाद यू नीड टू क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन, एंड इन दिस ड्रॉप डाउन यू कैन सिंपली गो एंड क्रिएट न्यू पेज। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट Just a moment, create a page. Can you see that? Create a page. The moment you will click on create a page, तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि आपका वो पेज जो है वो किस लिए बना रहे हो। Guys,
सिंपल सी बात है, अगर आप अपने काम के लिए बना रहे हो विच कैन रिप्रेजेंट योर बिजनेस विच विल रिप्रेजेंट योर ब्रांड, आप तब इस वाले को सिलेक्ट करोगे एज अ कैटेगरी। अदरवाइज इसके अलावा कुछ भी बना रहे हो तो यू हैव टू सिलेक्ट दिस वन। समझ आ गया डिफरेंस? डिफरेंस है कि अगर मुझे अपने कंपनी या बिजनेस के लिए कोई भी पेज बनाना है तो मुझे इस पे क्लिक करना है, और इसके अलावा किसी चीज पे भी पेज बनाना है तो मुझे इस पे क्लिक करना है। तो क्लियर बात यह है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, मैं इसमें से कोई अपना एक पेज ओपन कर लेता हूं, इसमें से कोई भी एक मेरा एग्जिस्टिंग पेज, फॉर एग्जाम्पल आईक्यू टेस्ट मेरा एक पेज है, मतलब मेरा पेज नहीं है मान के तो, मेरा तो पेज है लेकिन मैं इस पर कोई काम नहीं करता हूँ। तो ये पेज मैंने आपको दिखाया कि ऑलरेडी बना हुआ है, क्योंकि बनाने के लिए अभी टाइम लगेगा एंड आई डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम कि मैं आपको बना के दिखाऊं। तो गाइस बनाना हम सबको आता है पेज, आप बनाने के बाद द मेन काम जो शुरू होता है पेज का वो बनाने के बाद होता है। तो प्लीज अपने अपने पेज बना लेना जिसमें भी आपको पेज चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा कोई भी बिजनेस को रिप्रेजेंट नहीं करता है, मेरे किसी भी बिजनेस को, इट इज जस्ट फॉर अ पर्पज कि मैंने एंगेजमेंट के लिए एक पेज बनाया है कि मुझे ऑडियंस को एंगेज करना है। ऑडियंस मतलब मुझे यहाँ पर फॉलोअर्स बनाने हैं बस इस पेज के लिए। तो मैं कुछ क्वेश्चंस वगैरह इसमें डालते रहता हूँ लोगों के आईक्यू टेस्ट करने के लिए, और लोग इसमें अपना आंसर देते हैं। सो दैट वे व्हाट आई डू, आई जस्ट सिंपली गेट ऑडियंस यहाँ पर। कभी भी मुझे किसी चीज का प्रमोशन करना होगा तो आई कैन इजीली डू दैट बिकॉज मेरे पास एक ऑडियंस बेस होगा। बट जहाँ की अभी इस पेज में बहुत ज्यादा फॉलोअर्स नहीं आए हैं, सिर्फ 2,242 फॉलोअर्स है एज ऑफ नाउ, क्योंकि इस पर कोई भी एंगेजमेंट मतलब कोई भी काम नहीं कर रहा हूं मैं पिछले काफी दिनों से। अगर मैं देखूं कि इसका जो लास्ट अपडेट हुआ था इस पेज में, दैट वाज 2016 में हुआ था, यू कैन सी दैट। उसके बाद इस पे मैंने कुछ किया ही नहीं। सो दैट इज द रीजन, प्लीज आप इसको मेरा कोई एक्टिव पेज मत मान के चलना, बट यू कैन जस्ट कंसीडर। मैं आपको कुछ चीजें यहां पर बताने वाला हूं कि हाउ यू कैन ऑप्टिमाइज योर पेज। तो ऑप्टिमाइज पेज करने के लिए एक चीज का ध्यान रखना गाइस, कि आपका पेज का बेसिक डिटेल्स पूरी होनी चाहिए, कंप्लीट बेसिक डिटेल्स आपकी होनी चाहिए। व्हाई? बिकॉज फेसबुक नोज क्या, फेसबुक ने ही बना है, तो फेसबुक डेफिनेटली अवेयर ऑफ दिस कि फेसबुक पेज बनाना एक फ्री अफेयर है। तो इसका मतलब कोई भी आके पेज बना लेगा तो सारे पेजेस को वो वायरलिटी फैक्टर देने की जरूरत नहीं है, मतलब सारे पेज को बहुत ज्यादा रीच देने की जरूरत नहीं है। फेसबुक नोज इट, फेसबुक सिर्फ उन्हीं पेज को ज्यादा रीच देता है, ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचाता है जिन पेजेस में सच में कॉन्टेंट अच्छा होता है, या जो पेज के ओनर सीरियस होते हैं उस पेज के लिए। मतलब सीरियसनेस आपको दिखाना पड़ेगा कि यू आर सीरियस अबाउट योर पेज। अब वो सीरियसनेस फेसबुक देखता कैसे है, लेट्स टॉक अबाउट। सबसे पहले मैंने कहा कि बेसिक डिटेल आपके पूरे होने चाहिए, तो बेसिक डिटेल कहां से पूरे करोगे, लेट्स गो टू द अबाउट सेक्शन, कि इस पेज के बारे में जो डिटेल है आपको ज्यादा से ज्यादा देनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल ऑल दीज डिटेल्स, कि इस पेज का कैटेगरी क्या है, ये एक एजुकेशन वेबसाइट है, इसका नाम मैंने दिया है, इसका यूजर नेम भी बना लिया है, ये कब स्टार्ट हुआ था मुझे देना चाहिए, इस पेज का मिशन अगर मेरे पास कोई है कि मैं किस लिए इस पेज को बना रहा हूं, आई शुड मेंशन। अगर लगता है कि इस पेज के थ्रू मुझे कोई कॉन्टैक्ट करेगा तो मुझे बिजनेस मिलेगा, वो नंबर दो। इस पेज का ईमेल आईडी अगर आपके पास है वो दो, ठीक है। आपका कोई और अकाउंट है इस पे, मतलब इससे रिलेटेड, इस ब्रांड से रिलेटेड, लाइक इंस्टाग्राम ट्विटर लिंक्डइन, वो सारे आप यहाँ मेंशन करो। ये सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए जो जो अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड मेन्यू, अब मैं रेस्टोरेंट थोड़ी रन कर रहा हूं तो रेस्टोरेंट के केस में ऐड मेन्यू आ सकता था कि मैं अपने मेन्यूज ऐड कर सकता हूं, बट जहां की मेन्यू ऐड करने का ऑप्शन मेरे पास अभी है नहीं क्योंकि मैं रेस्टोरेंट का पेज नहीं बना रहा हूं, सो आई कैन लीव इट। कोई प्रोडक्ट भी नहीं है, आई कैन लीव इट। कोई अवार्ड इस पेज के लिए मैंने ऐसा कुछ जीता नहीं है इस बिजनेस के लिए, आई कैन लीव इट। तो इस तरह से जो जो चीज नहीं है या नहीं हो सकती आप उसे छोड़ सकते हो, बट ट्राई टू मेंशन एज मच एज डिटेल, द बेसिक डिटेल फॉर दिस पेज, सो दैट फेसबुक का बॉट कभी भी इस पेज पे आए तो उसको ये जरूर दिखना चाहिए कि ओके इस पेज में डिटेल ज्यादा है या फिर इस पेज में डिटेल एप्रोप्रिएट है। इसका मतलब इस पेज का जो ओनर है वो सीरियस इस पेज के लिए, माइट बी इस पेज में ऑडियंस अगर हम देंगे तो ये पेज ग्रो कर सकता है। अगर उसको ये वाली फीलिंग आ गई या फिर इस तरह से उसने सोच लिया तो डेफिनेटली आपका पेज ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ ये सारी डिटेल आप फिल कर देना। द वंस द पेज डिटेल हैज बीन क्रिएटेड, व्हाट द नेक्स्ट थिंग यू नीड टू डू गाइस, अब आपको इस पेज में अपडेट्स देने हैं। अपडेट्स मतलब होता है कि न्यू कंटेंट एज अ पोस्ट। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया कि कुछ पेज थे जो पेज क्या करते थे गाइस, बहुत सारा कंटेंट उसके अंदर डालते थे। फॉर एग्जांपल ओके इस पेज में आप देखो, हिंदुस्तान टाइम्स के पेज में भी गए थे हम, इस पेज में भी है, एंड बोथ द पेज
आपको दिखेंगे कि ये अपने पेज में कंटेंट डाले ही जा रहे हैं. फॉर एग्जांपल 7 मिनट्स पहले इन्होंने एक कंटेंट डाला, देन लेट्स कम डाउन, दिस इज 38 मिनट्स. तो ये कंटेंट है. ये कंटेंट क्या है? कंटेंट है लोगों को एंगेज रखने का, सो दैट इसके ऑडियंस जो इसको फॉलो कर रहे हैं वो किस लिए फॉलो कर रहे हैं? फॉलो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस पेज से रिलेटेड कंटेंट मुझे मिलेंगे. सेम अब आईक्यू टेस्ट पेज को क्यों कोई फॉलो करेगा? क्योंकि उसे पता है कि आईक्यू टेस्ट से रिलेटेड यहां पर क्वेश्चंस मिलेंगे और वो उस क्वेश्चन पर रिप्लाई करेंगे. सो दैट इज द रीजन आई एम वेटिंग फॉर न्यू अपडेट्स फ्रॉम दैट पेज. दैट इज द रीजन आई एम फॉलोइंग दैट पर्टिकुलर स्पेसिफिक पेज. सो प्लीज गाइज, द नेक्स्ट थिंग विच यू हैव टू डू इज यू हैव टू क्रिएट अपडेट्स, न्यू कॉन्टेंट एज अ पोस्ट फॉर योर पर्टिकुलर पेज. अब उस पेज के लिए आपको कॉन्टेंट बनाना है. गाइज ध्यान रखना, कॉन्टेंट इज द किंग. सेम यहां पर भी वही चीज फॉलो होता है, चाहे वो सर्च इंजन हो चाहे वो सोशल मीडिया हो, कंटेंट इज द किंग. द मोर द कंटेंट एंड द मोर द क्वालिटी कंटेंट यू विल गिव टू योर ऑडियंस विल लव इट एंड द फॉलोअर्स विल कीप ऑन इंक्रीजिंग इन योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और प्रोफाइल. सो मेक श्योर जितना अच्छा आप कॉन्टेंट दे पाओ उतना आप लोगों के लिए बेटर है. सो प्लीज फॉलो दिस प्रोसेस कि आपको नया नया कॉन्टेंट देना है और अच्छी तरीके से देना है. ये तीन मेजर जो कंपोनेंट्स होते हैं आपके फेसबुक पेज को ऑप्टिमाइज करने के लिए वो ये होते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एल्गोरिथम. गाइस मुझे फेसबुक में ज्यादा फॉलोअर, फेसबुक फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए मुझे मेजरली क्या करना होता है? गाइस मेजरली आपको जो करना होता है ये तो फेसबुक फॉर एग्जाम्पल पेज को बनाने का जो मेन रीजन है उसमें ये तीनों चीजों को फॉलो करना है कि मैं फेसबुक पेज बनाए इसलिए रहा हूं ताकि मुझे क्या करना है उससे बिजनेस लाना है. तो ये मेजर, ये तो बेसिक चीज है जो आपको करनी है. बट अगर मैं बात करूं अब आपको फॉलोअर्स इंक्रीज करने के जो पैटर्न है, जो तरीके हैं वो मैं बता देता हूं. सबसे पहले गाइस फॉलोअर बढ़ाने का जो मेन तरीका है वो फेसबुक तभी देता है जब आपके पेज में एंगेजमेंट होता है. एंगेजमेंट इज द की टू अ सक्सेसफुल पेज. एंगेजमेंट, एंगेजमेंट मतलब क्या होता है गाइस? जब भी हम कोई भी एक न्यू कंटेंट फेसबुक में अपडेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं न्यू कोई भी कंटेंट अपडेट कर रहा हूं फेसबुक में, तो उसमें कितने लोग एंगेज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइक्स, इन द फॉर्म ऑफ कमेंट्स, इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स. वीडियो अगर मैंने डाला है तो वीडियो कितने लोगों ने प्ले किया है, अगर मैंने इमेज डाला है तो इमेज को कितने लोगों ने ओपन किया है, राइट? और ये सारी चीजें आपको एंगेजमेंट देती है. एंड जितना ज्यादा एंगेजमेंट जिस कॉन्टेंट पे वो उतना वायरल होता जाता है. फॉर एग्जाम्पल मेरा एक पोस्ट है जो मैंने, ये स्टैंडर्ड है कि दोनों को एक घंटे पहले किया है, एक पोस्ट जिसपे सिर्फ 5 लाइक्स हैं, 2 कमेंट्स हैं फॉर एग्जाम्पल, और दूसरा पोस्ट सेम टाइम पे मैंने सेम पेज पे किया था जिसपे 100 लाइक्स हैं और फॉर एग्जाम्पल 15 कमेंट्स हैं. तो मैं बोल रहा हूं आपको इसका रीजन ये रहा है क्योंकि इस पोस्ट का जो कंटेंट है वो कंटेंट ज्यादा इंटरेस्टिंग था. ये ध्यान रखना, इस कंटेंट पे ज्यादा लोगों ने एंगेजमेंट किया है, और क्योंकि ज्यादा लोगों ने एंगेजमेंट किया है एज पर फेसबुक इस पर्टिकुलर पोस्ट को, पोस्ट बी को फॉर एग्जांपल, पोस्ट बी को अब फेसबुक न्यू ऑडियंस को भी रीच करेगा. मतलब अभी तक तो इस पोस्ट को सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जिस्टिंग फॉलोअर्स तक रीच कराया गया था. क्योंकि आपके पेज को जो फॉलो कर रहे थे सिर्फ वही चाहते थे कि आपका कंटेंट उन्हें मिले. बट अब जहां फेसबुक देख रहा है कि यार पोस्ट बी जो है इसको इनके फॉलोअर्स ने बहुत ज्यादा लाइक किया है, इसका मतलब अगर मैं इस पोस्ट को, पोस्ट बी को अब न्यू ऑडियंस तक भी पहुंचाऊं, सिमिलर ऑडियंस मतलब इसी टाइप के ऑडियंस जो कि ऑलरेडी इस पेज को फॉलो करते हैं, इस सिमिलर टाइप के ऑडियंस तक अगर मैं पहुंचाऊं तो माइट नए लोग इसे पसंद करेंगे और वहीं से आपका जो सीढ़ी स्टार्ट होती है, द लेवल स्टार्ट होता है न्यू फॉलोअर्स बनने का. क्यों? क्योंकि अब वही कंटेंट आपके नए ऑडियंस तक जाता है और फिर उस कंटेंट को देखते हुए, उससे इन्फ्लुएंस होते हुए वो नए ऑडियंस आपको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं. अब मैं एग्जांपल आपको सीधा डायरेक्ट एज एन आपको ही लेता हूं एग्जांपल. यस, जब भी आप फेसबुक पे जाते हो और आप देखते हो कि ऐसा कोई कंटेंट जिस पेज को आपने फॉलो ही नहीं किया, जिस पेज को आपने कभी लाइक ही नहीं किया, वो कंटेंट भी आपको दिखता है. क्योंकि
उसका रीजन ये है कि आपके किसी न किसी फ्रेंड ने उस कंटेंट को जरूर लाइक किया होता है और उस पर्टिकुलर कंटेंट, उस पर्टिकुलर अपडेट, मतलब जो भी उस पेज में गया है उसको बहुत ज्यादा एंगेजमेंट मिल रहा है। तो फेसबुक के एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग उस कंटेंट को आपको भी दिखाया जाएगा क्योंकि आप भी उस टाइप के सिमिलर ऑडियंस हैं और आपने आज तक उस पेज को फॉलो नहीं किया था, अब शायद इस कंटेंट के बाद फॉलो करो। तो इस तरह से नए ऑडियंस तक फेसबुक आपके उस पोस्ट को भेजता है जिस पोस्ट में आपके एग्जिस्टिंग ऑडियंस ने ज्यादा एंगेजमेंट किया होता है और दिस वे आपका पोस्ट जो होता है मैक्सिमम फॉलोअर्स बनाने का एक पोटेंशियल रखता है। सो गाइज ये होता है फेसबुक, ये होता है सोशल मीडिया एल्गोरिथम। तो मेक श्योर कि आप जब भी कोई पोस्ट बनाओगे उसमें आपको एंगेजमेंट फैक्टर्स रखने हैं, एंगेजमेंट फैक्टर्स रखने हैं। अभी एंगेजमेंट फैक्टर्स किसी फॉर्मूला से नहीं आता गाइज, कभी भी नहीं आता, ध्यान रखना। नो किसी फॉर्म, इसके इसके लिए कोई फॉर्मूला है ही नहीं, देयर इज नो फॉर्मूला फॉर इट। द ओनली थिंग इज योर क्रिएटिविटी, आप कितना क्रिएटिव हो, क्रिएटिविटी विल गिव यू एंगेजमेंट फैक्टर। कि आप कितना क्रिएटिव हो वो डिसाइड करता है कि आपको एंगेजमेंट फैक्टर मिलेगा या नहीं मिलेगा, फॉर्मूला कोई भी इसका नहीं है। लेकिन क्रिएटिविटी, आई कैन से दैट मैक्सिमम क्रिएटिविटी और एक्सपीरियंस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आप बहुत दिनों से सोशल मीडिया कर रहे हो, यू आर अ वेरी गुड ऑप्टिमाइजर, तो डेफिनेटली आपको एक्सपीरियंस हो जाता है कि किस टाइप के पोस्ट जो है मार्केट में लाइक किए जाएंगे और उस टाइप के ही पोस्ट आप क्रिएट करोगे। एंड दिस वे you can generate a massive kind of followers for the page on which you are working. अब वो पेज आपका खुद का भी हो सकता है, वो पेज आपके क्लाइंट का भी हो सकता है या फिर आपके कंपनी जहां पर आप जॉब कर रहे हो उसका भी हो सकता है। And this way you can get a lot of followers organically. But हाँ, ये over the night नहीं होने वाला है। अगर over the night आपको चाहिए तो guys try to find a wonderful kind of content जो अभी तक unique है, किसी ने इससे पहले नहीं किया और आपने अचानक से कर दिया और उसकी market में बहुत demand है, लोग पसंद कर रहे हैं, ऐसा कोई content ढूंढना start करो। इस तरीके से आप बहुत अच्छा खासा social media optimization करके followers को increase कर सकते हो। So guys that is what exactly I would tell you कि please try to be creative or else try practicing, jitna zyada practice karoge us experience milega and you can be a good optimizer and ek time aisa aayega ki aapke page ko batero followers milenge, batero matlab massive in good amount followers milna start ho jayenge। thode se factors main bata deta hu guys, factors which you can consider for engagement। एंगेजमेंट के लिए कुछ फैक्टर्स मैं आपको एज एन अपने एक्सपीरियंस से हेल्प कर देता हूँ, सो दैट यू कैन स्टार्ट फॉलोइंग माई रूल्स ऑल्सो, हाउ आई गेट एंगेजमेंट ऑन माई पोस्ट। एक चीज का ध्यान रखना गाइज, अगर वो पोस्ट आपके बिजनेस से रिलेटेड है, अगर वो एक प्रमोशन है तो आपको एंगेजमेंट नहीं मिलने वाला, मिलने वाला है लेकिन बहुत कम मिलने वाला है। एग्जाम्पल, मैं एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूं और उस प्रोडक्ट को ना मैंने सिंपल ऐसे ही फेसबुक में डाल दिया, उसका प्रमोशन कर रहा हूं, तो डेफिनेटली कोई लोग उसको एंगेजमेंट क्यों ही देंगे, क्योंकि कोई उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। रीजन बींग, क्योंकि उसका प्रमोशन कर रहा हूं मैं, प्रमोशन पे कभी भी कोई भी ऑडियंस इंटरेस्टेड नहीं रहती। इसके सीधा जो रियल टाइम एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं गाइस, वो ये है कि जब आप एक टीवी देखते हो और टीवी के बीच में कभी एड आ जाता है तो आप चैनल चेंज कर देते हो, क्यों, क्योंकि आपको प्रमोशन देखना पसंद नहीं है। तो सेम गोज हियर, सोशल मीडिया में भी या फिर आप कहीं पर भी बोलो, प्रमोशन कोई भी देखना पसंद नहीं करता। बट हाँ, जैसे कि अपडेट्स लाइक दिस, ये कुछ अपडेट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ लड़कियां इतनी ज्यादा लिपस्टिक लगाती है कि अगर ताजमहल को चूम ले तो वो लाल किला बन जाएगा, तो ये क्या है, ये कोई बिजनेस से रिलेटेड प्रमोशन नहीं है, लोग इसको पसंद कर रहे हैं कि वाओ इट्स अ फनी फनी काइंड ऑफ अपडेट। सो नाउ 2.2000 मतलब 2200 लोगों ने लाइक किया, 309 ने कमेंट भी कर दिया, लोगों को पसंद आया कि मैं इस पे कुछ कमेंट करूं, मतलब मैं भी अपने कुछ टिप्पणी रखूं, मैं भी अपने कुछ विचार रखूं, तो लोगों ने रख दिया। 295 लोगों ने तो शेयर भी कर दिया कि हाँ उनको लग रहा है इसको शेयर करो मजा आएगा, क्योंकि मेरे सर्कल में बहुत सारी लड़कियां जो ऐसा करती है तो उसको मैं चढ़ाने वाला हूं। तो इस टाइप के फैक्टर रखने की कोशिश की है इस पेज के जो ऑप्टिमाइजर है या द ग्रुप ऑफ द टीम हु इज वर्किंग ऑन दिस पेज, दे क्रिएटेड दिस काइंड ऑफ कॉन्टेंट टू गेट मोर एंगेजमेंट, नॉट बिजनेस। उन्होंने बिजनेस लाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की, क्योंकि बिजनेस उनको पता है कि नहीं आएगा इस तरीके से। तो वो क्या करते हैं, वो 20 पोस्ट फनी डालते हैं, फनी मतलब इंटरेस्टिंग डालते हैं, और वन पोस्ट बिजनेस का डालते हैं, सो दैट 20 पोस्ट
ऑडियंस को एंगेज करेगी और वन पोस्ट ऑडियंस को सिर्फ दिखाएगी और उससे जितना मिल जाए दैट इज एनफ फॉर 20 के बाद 21, फिर उसका 20 के बाद 21, 21 पोस्ट आप बिजनेस का डाल दो तो आपको चल जाएगा। लेकिन आप सारे पोस्ट बिजनेस का डाल रहे हो और एक फनी कॉन्टेंट डाल रहे हो या फिर इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट डाल रहे हो, आपका पेज डेड हो जाएगा एंड नोबडी विल फॉलो दैट पेज। एंड इस तरीके से बिजनेस पेज में ऑडियंस कम होती है, लेकिन जो ये एंटरटेनमेंट पेज होते हैं या फिर यू कैन से दैट सोशल पेज होते हैं, उसका उसका कॉन्टेंट जो है बहुत हिट होता है। I hope guys so far so clear. Now let's talk about what all are the factors which you can consider for engagement. Number one is try to be funny. Funny होने की कोशिश करो अपने पोस्ट के अंदर। अगर आप कोई भी एक नया पोस्ट बना रहे हो, कोई इमेज, कोई वीडियो, जस्ट उसमें फनी कॉन्टेंट डाल दो तो वो वन ऑफ द काइंड ऑफ फैक्टर होता है फॉर एंगेजमेंट कि लोग उसको जरूर एंगेजमेंट देते हैं, लाइक कमेंट शेयर कुछ भी हो वो जरूर करते हैं। ट्राई टू बी फनी। अदरवाइज नेक्स्ट थिंग इज ट्राई टू बी इमोशनल, कि ऐसा कोई कंटेंट जो कि लोगों को इमोशनल कर दे, देशभक्ति या फिर मदर फादर से रिलेटेड, माता पिता का ये प्यार, रक्षाबंधन भाई का प्यार, या फिर आर्मी से रिलेटेड, इंडियन नेशनल फ्लैग से रिलेटेड, या फिर कोई एक सोशल कॉज है कि फॉर एग्जांपल एक डॉगी उसको अडॉप्ट करना, काइंड ऑफ एनीथिंग लाइक यू नो, गिव द इमोशंस टू योर पोस्ट सो दैट पीपल कैन गेट इन टच, गेट लाइक यू नो उनको हर्ट वाली फीलिंग आए, हर्ट मतलब दिल से फीलिंग आए कि यार समथिंग यार दिल पसीज गया एंड आई एम वेरी मच काइंड ऑफ यू नो ड्रेंच्ड इनटू दैट काइंड ऑफ इमोशन, लोग कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं वगैरह वगैरह। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है अगर आप अपने कंटेंट में डाल सकते हो तो पीपल विल डेफिनेटली गिव एंगेजमेंट एंड दैट एंगेजमेंट कैन हेल्प यू टू ब्रिंग न्यू ऑडियंस टू योर पेज एंड व्हिच लीड्स इनटू अ फॉलोअरशिप। तो ये चीज जरूर करना कि फनी इमोशनल होने की कोशिश करना, दोनों में दोनों एक बार एक ही पोस्ट में, दोनों अलग अलग पोस्ट में करने की कोशिश करना। एंड Guys, try to be elaborative. कि कोशिश करना कि आपका जो जो भी पोस्ट है उसमें ना डिटेल ज्यादा मेंशन हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पोस्ट में, कोई और पोस्ट में चलते हैं, सॉरी जस्ट अ मोमेंट, मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा डिटेल। मतलब अगर आप अपने कॉन्टेंट के अंदर ना बहुत ज्यादा वो कर दोगे, लाइक यू नो एक एक दो वर्ड के अंदर उसका कैप्शन खत्म कर दोगे, तो पीपल उनको समझ नहीं आएगा कि वो होता क्या है, वो हुआ क्या, उस पोस्ट में बताया क्या गया। अगर मैं बोलूं कि कोई एक कंटेंट है जिसमें मैंने क्या किया, पूरा समझाया कि वो पोस्ट मैंने क्यों डाला है, तो शायद लोग टच फील करते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ विच टीम विल विन टूडेज मैच, ठीक है, और उसके बाद मैंने लिखा है मैच स्टार्ट्स एट 8 PM। अगर मैं लिखता सिर्फ यू नो मैच स्टार्ट्स एट 8 PM, मैं सिर्फ लोगों को बता देता और मैं ये पूछता नहीं कि विच टीम, तो ये विच टीम और क्वेश्चन मार्क डालने का पता रीजन क्या था, ताकि ये पोस्ट जिस तक पहुंचे उनमें से लोग कमेंट करना स्टार्ट करें। अब यहां पर सबके कमेंट्स आपको दिखेंगे कि इसमें से कौन से टीम को लोग सपोर्ट करते हैं, उन्होंने अपना कमेंट कर दिया। जैसे ही उन्होंने अपना कमेंट किया ना, तो दिस पर्टिकुलर पोस्ट उनको क्या मिल गया, एंगेजमेंट मिल गया। नाउ यू कैन सी दैट हाउ मेनी पीपल हैज रिएक्टेड एंड हाउ मेनी पीपल हैज कमेंटेड ऑन दिस पेज, और ये सीधा एंगेजमेंट है। अब एंगेजमेंट का फायदा क्या हुआ कि लाफिंग कलर्स उन लोगों तक भी पहुंचा जो इसको फॉलो भी नहीं करते थे। तो यही फायदा होता है किसी एक पोस्ट में कंटेंट इंटरेस्टिंग डालने का। सो एलोबरेट करो, मतलब एक एक वर्ड में अपने अपने वर्ड को यूज करो एज अ कैप्शन जस्ट टू मेंशन कि मैंने वो पोस्ट क्यों किया। तो इससे क्या होगा, लोग इंगेज करेंगे, कमेंट करेंगे कि हाँ ये हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक पोस्ट डाला कि हु इज गोइंग टू विन 2019 लोकसभा इलेक्शन, राहुल गांधी, मोदी, या फिर यू कैन से दैट मायावती, मुलायम सिंह। अब देखना लोग ना उसको फॉलो, उसको उस पर कमेंट करेंगे। जैसे उसने कमेंट किया, फॉर एग्जाम्पल आपका पोस्ट, मैं फॉलोअर हूं, आपके पोस्ट में ये चार ऑप्शन थे कि कौन जीतेगा इन चारों में से, मैंने आंसर कर दिया कि भैया नरेंद्र मोदी जीतेंगे। मेरे आंसर करते ही वो सीधा का सीधा मेरे टाइमलाइन पे आ गया क्योंकि मैंने उसका आंसर दिया, और मेरे टाइमलाइन पे थे 500 फ्रेंड्स। अब उन 500 फ्रेंड में से जो भी मेरे नियरेस्ट फ्रेंड थे जिनके साथ मैं टच में हूं, उनके टाइमलाइन में चला गया कि मैंने उस पर कमेंट किया है। अब जहां की वो भी पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस था तो उसने लिख दिया राहुल गांधी, राइट? और इस तरह से ये चेन रिएक्शन बनता गया, आपका जो कंटेंट है उस कंटेंट को एक वायरल फैक्टर मिलता गया, और रातों रात या फिर दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पूरे हफ्ते ये वायरल बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत लोगों ने ये किकी चैलेंज या फिर आइस बकेट चैलेंज ये सब किया था और अपने पोस्ट में डालना शुरू कर दिया। क्यों?
क्योंकि जैसे ही वो करते हैं उनके फ्रेंड्स लोगों को अपडेट जाता है, उनके फ्रेंड में से भी कुछ लोगों ने कर लिया, उनके फ्रेंड्स को भी, इस तरह से वो पूरा चेन रिएक्शन बनता जाता है। सो दैट पर्टिकुलर थिंग एक्चुअली हेल्प्स यू टू गेट मोर फॉलोअर्स, रीच, ऑडियंसेस एंड एवरीथिंग। एंड उससे सीधा आपको फिर क्या फायदा होता है कि आपको आपके साइट के लिए ट्रैफिक मिलना स्टार्ट हो जाता है। सो गाइस, दिस इज व्हाट आपको ध्यान रखना है कि आप भी ऐसे ही कुछ करोगे अपने जितने भी आने वाले पोस्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लिक हियर, इसको ट्रैफिक मिला नहीं मिला, क्योंकि इस पोस्ट को 23 मिनट्स पहले पोस्ट किया गया है, तो इस पोस्ट को जितने लोगों ने भी क्लिक किया होगा, जिसके भी टाइमलाइन पे ये पोस्ट गया है, उन्होंने जरूर क्लिक किया होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक क्या लिखा गया है कि ट्यूटोरिटीज आर इन ऑल प्रेज व्हेन डांसिंग क्राउड प्रॉम्प्टली वगैरह वगैरह वगैरह, ट्रैफिक मिल गया इस पेज को। और यही ट्रैफिक क्या है, ट्रैफिक इज इक्वल्स टू गाइस मनी, क्योंकि आज के डेट में एवरीथिंग इज व्हाट इज ट्रैफिक। आपको अगर डिजिटल मार्केटिंग में कुछ भी चाहिए तो गाइज वो है ट्रैफिक, बिकॉज ट्रैफिक कैन लीड टू यू बिजनेस, ट्रैफिक कैन लीड टू यू अ लॉट ऑफ प्रॉफिट, एंड ट्रैफिक कैन गिव यू द एंटायर थिंग विच यू आर लुकिंग फॉर इन दिस डिजिटल मार्केटिंग। तो गाइज आई होप अभी तक हमने जितना पढ़ा वो चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नाउ फ्यू ऑफ थिंग्स आई वुड लाइक टू लेट यू नो हियर। नंबर वन, सबसे पहले मैं बताऊंगा गाइज एल्गोरिथम आपको क्लियर हो गए कि आपको एंगेजमेंट ज्यादा से ज्यादा अपने पोस्ट में लाने हैं, अपने जो भी पोस्ट अपडेट किए हैं उसमें लाने हैं, उससे आपका चेन रिएक्शन बनेगा और चेन रिएक्शन से नए ऑडियंसेस जुड़ेंगे और वही ऑडियंस कहीं ना कहीं आपको फिर फॉलोअर्स बन जाएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गाइस कि इस पेज में फॉर एग्जाम्पल जब कोई एक पेज बड़ा हो जाता है, जैसे कि ये बहुत बड़ा पेज है, इस पेज में आप देख रहे हो कि हर मिनट 4 आवर्स पहले, ये तो खैर 4 आवर्स था, 24 मिनट्स एंड देन 54 मिनट्स, ऑलमोस्ट एक घंटे में कई सारे पोस्ट इसमें अपडेट होते हैं। तो इज इट पॉसिबल फॉर वन पर्सन टू हैंडल दिस पेज, इतने सारे अपडेट करना? नो, इट इज नॉट। सो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, यू कैन असाइन रोल्स, एक ही पेज के डिफरेंट रोल असाइन कर सकते हो। अब इस फॉर एग्जाम्पल ये मेरा पेज है, IQ टेस्ट इज माई पेज। अब इस पेज पे इफ आई वॉन्ट कि मैं मेरे जो पार्टनर्स हैं या फिर मेरे जो एम्प्लॉयज हैं वो इस पेज में अपडेट कर पाए, तो मुझे उसके लिए मेरा फेसबुक का यूजर आईडी पासवर्ड देना पड़ेगा, तभी तो वो पेज ओपन करेंगे, वरना मैं क्या इस पेज को ओपन कर सकता हूँ? लाफिंग कलर का पेज का मेरे एक्सेस में है? नहीं है। तो इसको ओपन करने के लिए या तो लाफिंग कलर मुझे पेज रोल दे या फिर अपना यूजर आईडी पासवर्ड दे दे, जो कि लाफिंग कलर करेगा नहीं। लाफिंग कलर क्या कर सकता है कि मुझे एज अ, मैं अगर उसके लिए फ्रीलांसर हूं तो वो मुझे पेज रोल दे सकता है। वो पेज रोल कैसे देना है मैं आपको वो सिखा रहा हूं। जैसे ही, क्योंकि एक पेज पे अगर ज्यादा लोग काम करेंगे, क्योंकि सारे ही काम कर रहे हैं, आप अकेले कर नहीं सकते, अगर बहुत लोग काम कर रहे हैं तो उस पेज के बढ़ने की जो संभावना है, अपॉर्चुनिटी है, वो ऑलवेज हाई होगी। गाइस हाउ वी कैन डू दैट? सो फॉर दैट यू नीड टू गो टू सेटिंग्स, हियर इन द सेटिंग्स यू नीड टू गो एंड यू नीड टू गो टू दिस पेज रोल्स। द मोमेंट यू विल क्लिक ऑन पेज रोल्स, गाइस ये ध्यान रखना, आप यहाँ पर अपने किसी भी फ्रेंड को रोल दे सकते हो। रोल मतलब कि अब वो पेज को एक्सेस कर सकता है। 6 रोल होते हैं, एक जॉब मैनेजर भी एक नया जुड़ गया। सो गाइस एडमिन, कभी भी आप कोशिश करना ऐसे लोगों को ना बनाए जो कि आपके ट्रस्ट को ब्रीच कर सकते हैं, क्योंकि एडमिन अगर इतना बड़ा पेज जिसका आज के डेट में 229 मिलियन फॉलोअर्स है, इस पेज की जो वैल्यू है वो मोर देन कम से कम 10 करोड़ रुपीज है इस पेज की वैल्यू की। अगर मैं इस पेज को आज के में बेचने जाऊं, अगर लाफिंग कलर्स बेचना चाहे तो इजीली ये पेज जो है 10 करोड़ में इस पेज को बेचा जा सकता है। सो दैट इज द रीजन एडमिन के पास इतनी अथॉरिटी होती है कि वो उस पेज के साथ कुछ भी कर सकता है। दैट पेज ही कैन डिलीट, दैट पेज ही कैन रिमूव यू, अगर आपका पेज है तो भी आपको रिमूव कर सकता है, अगर उसको भी आपने एडमिन बना दिया। तो प्लीज डोंट डू दिस, कीप एडमिन, कभी भी सोच समझ के आप उन्हीं लोगों को बनाना जिसको उसका एडमिन होना चाहिए, अदरवाइज डोंट डू दैट। एडिटर आप सबको बना सकते हो, एडिटर के पास लिमिटेड राइट्स होते हैं। एडिटर क्या क्या कर सकता है, उस पेज में हर चीज को एडिट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, नए अपडेट्स डाल सकता है, नए मतलब पोस्ट कर सकता है, लेकिन वो किसी और यूजर को रोल नहीं दे सकता, वो सिर्फ एडमिन कर सकता है। तो एडिटर बाकी उसके अलावा हर चीज कर सकता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल उसमें कॉन्टेंट नया डालना, उस पेज में कुछ एडिट करना, वेबसाइट चेंज करना वगैरह वगैरह, वो सब कुछ कर सकता है। मॉडरेटर जो होते हैं, मॉडरेटर एडिटर से भी उनके कम रोल होते हैं, वो सिर्फ उस
पर्टिकुलर कंटेंट के अंदर कुछ चीजों में चेंज कर सकते हैं, बाकी वो नया कंटेंट बिल्कुल भी नहीं डाल सकते मॉडरेटर। एडवर्टाइजर उस पेज के अंदर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उस पेज के लिए सिर्फ और सिर्फ एड रन कर सकते हैं, और एनालिस्ट तो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ उस पेज से रिलेटेड जितने भी रिपोर्ट्स है उन रिपोर्ट्स को देख सकता है और कुछ भी नहीं, और जॉब्स मैनेजर उस पेज के लिए खाली जॉब पोस्ट कर सकता है। सो गाइस, कैसा लगा आपको आज का ये सेशन? जो ये प्रैक्टिकल पार्ट था इसको जरूर करना, क्योंकि फॉलोअर्स को गेन करने के लिए यही मेजरली किया जाता है, क्योंकि ये बेसिक सेटिंग्स है एक फेसबुक पेज से रिलेटेड। अगर अभी तक आप जानते थे तो ठीक है, अगर नहीं जानते थे तो आपके लिए बहुत अच्छा हो गया गाइस। आई कैन बिलीव दैट ये आपको आगे आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, और आगे सारे वीडियोस देखते रहिए। टिल देन गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।